डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ मैथ पेज 93 पे सम करेंगे 27 एंड 28। 27 सम है स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट वंस, होल नंबर, ब्रैकेट में दे दिया होल नंबर। इट मीन्स ये पूर्ण संख्याएं बनानी है, इनमें डेसिमल को हमने रिमूव करना है, खत्म करना है। और नियरेस्ट वंस का मीनिंग भी ये होता है कि हमने इसको वंस का डिजिट देखना है। इसमें देखो 6.3 है, 6.3 में ये क्या है टेंथ से, और ये क्या है वंस, यानी कि इस डिजिट के अकॉर्डिंग हमने इसको राउंडिंग फिगर में देखना है 6.3। और अगर ये सीधी बात समझना चाहो तो इन्होंने बोल दिया है होल नंबर। होल नंबर का मीनिंग क्या होता है कि इसमें से हमने डेसिमल को खत्म करना है। तो डेसिमल को कैसे खत्म करेंगे, 6.3 यानी के पॉइंट के बाद जो नंबर दे रखे है उसको हमने यहाँ से हटा देना है। उसको हटाने का नियम होता है, ऐसे ही नहीं हटा सकते हम। जब भी हमें कोई डिजिट रिमूव करना है नंबर में से डेसिमल के बाद का, तो उसके लिए एक तरीका होता है स्टूडेंट्स। अगर वो सिंगल डिजिट का है, तो हमने देखना है कि वो 5 से कम है या 5 या 5 से ज्यादा है। अगर वो 5 से कम है तो यूं का यूं रिमूव हो जाएगा, उसका कुछ नहीं चेंज करना हमने। और अगर वो 5 से ज्यादा या 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करना है। अगर 2 डिजिट्स को रिमूव करना हो, तो हमने देखना है कि वो 50 से कम है तो एकदम से रिमूव कर देंगे, और 50 या 50 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। इसी प्रकार अगर 3 डिजिट्स को रिमूव करना है तो हम देखेंगे 500, अगर वो 500 से कम है तो एकदम से रिमूव हो जाएंगे, और अगर 500 या उससे ज्यादा है तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। अब देखो, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। 6.3 डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, और ये क्या है 3। अब देखो ये 5 से कम है या नहीं, ये 5 से कम है तो ये ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, और हम 6.3 को क्या लिखेंगे, 6, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट वंस के अकॉर्डिंग। अब आ गया नेक्स्ट 8.5। अब इसमें हमने क्या करना है, इस 5 को रिमूव करना है। तो ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट में देखो अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करना है। अब इससे पहले डिजिट क्या है, 8, 8 में 1 ऐड करना है, तो इसको हम लिखेंगे 9, इसको 8 नहीं लिखेंगे। अब 86.49, इसमें देखो हमने किसको रिमूव करना है, 49 को, कितने डिजिट है 2, तो 2 डिजिट में हमने क्या देखना है कि ये 50 से कम है या 50 या 50 से ज्यादा है। अब देखो 49 अगर इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये 50 से कम है, तो इसको ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं हम। 86.49 को क्या लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ के अकॉर्डिंग 86। अब नेक्स्ट में 415.51, अब इसमें हमने रिमूव कितना करना है, 51 को, 51 टू डिजिट है, 50 से ज्यादा हो गया तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 416, 15 को कितना लिखेंगे, 16। नेक्स्ट 553.499, अब इसमें देखो 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, इनको सबको हमने रिमूव करना है, तो देखो ये 500 से कम है, 500 से कम है तो ऐसे ही रिमूव हो जाएंगे, और अब इसको हम लिखेंगे 553। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर वीडियो देखना, जरूर समझ में आएगा। अब 28 सम देखते हैं। 28 सम है स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ्स, ब्रैकेट में दे दिया फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल। इसका मीनिंग क्या है कि हमने डेसिमल के बाद 1 डिजिट को छोड़कर बाकी जितने डिजिट है उनको यहां से रिमूव करना है, हटाना है। अब ए पार्ट है स्टूडेंट्स 2.45, अब इसमें हमने क्या करना है, डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट हमने इसमें रखना है, बाकी जितने भी डिजिट है उनको रिमूव करना है। अब
वन डिजिट क्या है 4 और सेकंड डिजिट क्या है 5। हमने 5 को रिमूव करना है, तो जब सिंगल डिजिट को रिमूव करना हो तो क्या तरीका है, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले में 1 ऐड करना है। इससे पहले वाला डिजिट है इसमें हमने 1 ऐड करना है, तो अब ये क्या हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट है 35.57। अब इसमें भी 2 डिजिट है, हमने 1 रखना है तो 1 डिजिट को हमने रिमूव करना है। अब ये देखो 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 35.6। नेक्स्ट है 57.345। अब इसमें है 3 डिजिट्स और हमने रखना 1 है, तो ये 2 डिजिट हमें यहाँ से रिमूव करने हैं। अब 2 डिजिट रिमूव करने हैं तो देखो 2 डिजिट में क्या फार्मूला है, अगर वो 50 से कम है तो ऐसे ही रिमूव हो जाएंगे, और 50 या 50 से ज्यादा है तो उससे पहले वाला डिजिट में 1 ऐड करना है। अब 45 है तो 50 से कम है तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, हमारे पास बच गया 57.3। नेक्स्ट है 525.083। अब इसमें 3 डिजिट है, हमने ये 2 डिजिट इसमें से रिमूव कर रहे हैं। अब ये देखो 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है तो इससे पहले वाला डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा और ये लिखा जाएगा 525.1। नेक्स्ट है 234.445। अब इसमें भी 3 डिजिट है, हमने रखना 1 है तो ये 2 डिजिट रिमूव करने हैं। ये 2 डिजिट देखो 45 50 से कम है, 50 से कम है तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे 234.4 और ये अपना 28th सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।